हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके शवि ब्लॉग। मैं आज आया हूं भीलवा के पास राधा स्वामी मंदिर, जो कि मीणों के मोहल्ले में स्थित है। यहां पर मूफा डेयरी फार्म है जो कि ऑनलाइन भैंसों की सेलिंग करते हैं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी क्वालिटी की और कितनी अच्छी नस्ल की भैंसें हैं, जो आप दिखा सकता हूँ कि देखो ये है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भैंसें हैं इनके पास। ये ऑनलाइन सेलिंग करते हैं और इनके पास अभी करीब न करीब 10-15 भैंसे हैं जो इनकी पर डे सेलिंग है। 10-5 भैंसे ये रोज बेचते हैं और आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है गाय भैंसों के लिए। टिन सेट काफ़ी ऊंचाई पर लगाए हुए हैं। टिन सेट कम से कम 15 फुट ऊपर होंगे ज़मीन से और इन्होंने हरे चारे की व्यवस्था भी कर रखी है। हमारे कैमरामैन से कहता हूँ कि मैं आप हरे चारा दिखाएं। इन्होंने काफ़ी हरे चारे की व्यवस्था कर रखी है गाय भैंसों के लिए और यहाँ कस्टमर आते ही रहते हैं। इनका कहना है कि रोज़ 5-6 भैंस बेचते रहते हैं और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भैंसे रखते हैं। तो मैं आपको अभी इनसे बात करवाऊँगा क्या है, क्या प्रोसेस है इनके, देखते हैं अभी। सर आपका नाम क्या है? राजा राम मीणा। क्या काम है सर आपका फार्म में इसमें? सर मेरा काम यहाँ पे, मैं एक्चुअली सेल्स मैनेजर हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ से कैटल सेल करता हूँ, मतलब बकरो सेल करने का काम है मेरा। और इस ऐप का क्या प्रोसेस है और कैसे सेल किसानों तक संपर्क होता है आपका? किसानों का तो ये है कि हमने ये जो संस्था चलाई है ना, ये संस्था किसानों के लिए ही चलाई है। अच्छा। और डेयरी उत्पादक जैसे दूध उत्पादकों के लिए चलाई है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, एक ही जगह काफ़ी सारे पशु मिले, उसको इधर उधर घूमने फिरने की ज़्यादा जरूरत नहीं रहे। एक जगह पे ही अगर उसको सही अच्छी नस्ल के और लंबे दूध देने वाले पशु मिल जाते हैं तो वो हमारे मुफार में मिलते हैं, यहाँ पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा। ये भीलवा के पास है? ये भीलवा के पास में, ये भीलवा मीणों के मोहल्ले में। अच्छा अच्छा। और क्या इंश्योरेंस भी करा के देते हो क्या आप भैंसों का? इंश्योरेंस हम नहीं करवाते, वो कस्टमर अपने स्तर पर करवाता है। अच्छा अच्छा। और कोई फार्म के लिए आप बेनिफिट तो यही है कि अगर एक ही जगह पे 10-20 पशु अगर किसी भी खरीदार को मिलता है, किसान को या डेयरी उत्पादक है जिसको मिलता है, तो वो आराम से 10-20 पशुओं में से चुन करके एक अपना निश्चित पशु ले जाता है। सर ये कैश पेमेंट पे करते हो या वो किस तो, इस तो कोई सिस्टम? देखो सबसे पहले तो हमारा काम ही ऑनलाइन का है। अच्छा। ऑनलाइन जो पेमेंट हम कंपनी के अकाउंट पे डलवाते हैं तो अगर कस्टमर के पास वो सेवा है तो वो डाल देता है, नहीं तो फिर कैश पेमेंट लेकर के हम डिलीवरी देते हैं। तो आप बता सकते हैं कौन से पशु क्या रेट पे चल रहा है अभी? हाँ बिल्कुल, पशुओं की सबके अलग अलग से नंबर से अलग अलग सेल आईडी से अलग अलग रेट। बताओ देखे जैसे चलो आप बताओ। जैसे अभी यही कैटल अपने पास, ये कैटल अपने पास, ये बहुत ही सही कैटल है और इसकी 97,000 अपने प्राइस रखी है। फर्स्ट लैक्टेशन है लेकिन 9 लीटर मिल्क अभी दे रही है प्रेजेंट टाइम। कितने में? 7 दिन की भी आई हुई है। 7 दिन की है। बच्चा कहाँ सर इसका? ये इसका बच्चा, ये बेटा सामने। अच्छा अच्छा। 7 दिन की है? हाँ बिल्कुल, 7 दिन की भी आई हुई है। और ये वाली भैंस? ये वाली कैटल है जैसे, ये भी हमारे पास 3 दिन से आई हुई है। अच्छा। अभी मतलब प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पाई है लेकिन ये सेट हो जाएगी और ये 85,000 रुपये की है इसकी सेलिंग प्राइस। मिल्क कितना दे रही है? 11 लीटर मिल्क है प्रेजेंट टाइम तैयार है। तो आप यहाँ टोकन से लिख देते हो शायद? यहाँ पे सेल आईडी होती है, सेल आईडी से हम कैटल की सेलिंग और कर पाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं तो सेल आईडी के माध्यम से। कम से कम रेट में और सबसे ज्यादा रेट में भैंस कौन सी आपके यहाँ पे? देखो कम से कम रेट में मेरे पास 80,000 की है। और सबसे ज्यादा रेट वाली कौन सी अभी? सबसे ज्यादा रेट वाली अभी मेरे पास है 1,13,000 की। कौन सी है देखो सर उधर कॉर्नर पे? ये वाली कैटल है कि एक? यही वाली कैटल है, ये प्योर मुर्रा में आती है। अच्छा अच्छा। प्योर मुर्रा नस्ल की कैटल है, बिल्कुल भोली वाली कैटल है, बिल्कुल ऐसा शांत स्वभाव है इसका, कोई भी लेडीज जेंट्स कोई भी इसका मिल्क निकाल सकता है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है और लॉन्ग टाइम मिल्क देने वाला कैटल है, ये कहने का मतलब ये है मेरा, बिल्कुल एक्यूरेट होती है ये।
हर तरीके से देखा जाता है, अडर अडर से देखो, चाहे बॉडी से देखो, सींग से देखो, हर तरीके से बिल्कुल एक्यूरेट होती है। अभी दूध निकालेंगे अभी, है ना? हाँ, मेरी तो अभी होगा। और दूध यहीं, जैसे कोई पशु किसान का यहाँ 10 लीटर दे रहा है, तो वहाँ घर पे जाके कितना दे सकता है? देखो, एक्चुअल क्या, जब नया नया कैटल कहीं पे मेरे पास पे आता है, तो एक दो दिन, चार दिन, पांच दिन तो मिल्क डाउन होता है, आधा लीटर कम होता है। अच्छा। लेकिन जो हम यहाँ से मिल्क वेरिफिकेशन करवा के देते हैं ना किसी भी कैटल का, तो 2 टाइम 3 टाइम निकलवा के देते हैं। अच्छा। और उसके बाद में भी अगर मान लो वो घर जा रही है ना, तो सफर करेगी, चाहे सफर 5 किलोमीटर का करो, चाहे 50 किलोमीटर का करो, कम तो करेगी। अच्छा। लेकिन वो भी 2-4-5 दिन के लिए कम करेगी, ये नहीं है कि लॉन्ग टाइम के लिए कम करेगी। जैसे कोई कस्टमर ऐसे कहे कि मेरे को दूसरी चेंज करके दे दो, दूसरी ले जाना चाहता हूँ मैं इसको देके, एक्चुअली क्या हमारा यही तो है, ऑनलाइन अभी अपन कोई भी काम करते हैं ना ऑनलाइन पे, तो उसमें प्रोसेस नहीं होता, आउट एंड आउट। अच्छा। इन एंड इन। अच्छा, आप वापस नहीं लोगे उसको? आउट का प्रोसेस तो आउट का ही है, एक बार यहाँ कितने भी टाइम आओ, 4 टाइम आओ, 5 टाइम आओ, यहाँ 10 टाइम मेरी वेरिफिकेशन करो, लेकिन घर की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वो उसकी खिलाई पिलाई के ऊपर, खिलाई पिलाई के ऊपर करता है, करता नहीं ऊपर खिलाई पिलाई, क्योंकि हम पहले यहाँ पे इसीलिए तो मिल्क वेरिफिकेशन करवा लेते हैं उसको, कि आप 2 टाइम 4 टाइम 5 टाइम चेक करो, देखो बराबर टाइम टू टाइम आओ, शाम को 5 बजे सुबह 5 बजे। सही है। ना वो टाइम पे पानी पिलाए, ना चारा खिलाए, फिर दूध कैसे देगा? फिर वो दूध तो तोड़ेगी ना। सही बात। अगर उसकी हमारे से भी अच्छी खिलाने पिलाने की क्षमता है, तो हमारे यहाँ से जाने के बाद कोई शिकायत आई नहीं है। अच्छा अच्छा। तो हमारे से ज्यादा भी अगर वो खिला रहा है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ फार्म? मेरे को 1.5 साल हो गई ये फार्म खोला यहाँ पे। हाँ जी। कितनी बेसे सेल हो चुकी अब तक इस फार्म में? काफी सारी हो गई, वैसे काउंटिंग में प्लस नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा। लेकिन काफी हो गई है। पर डे आती रहती है, वैसे जाती रहती है? हाँ बिल्कुल, जैसे ही 2 केटल निकली, 2 केटल फिर। जैसे कोई हमारे व्यूअर आए कि भैंस का दूध कितने बजे की निकलता है शाम को? 5 बजे। और सुबह? वही सुबह 5 बजे। 5 दोनों 5-5 के टाइम है? बिल्कुल, वही 12 घंटे का अंतराल रहता है दोनों टाइम। अच्छा अच्छा। तो आपको कॉन्टेक्ट करके फिर आए हो, जो भी कस्टमर आना है? कॉन्टेक्ट करके आओ, नहीं तो जैसे हर इंसान को मालूम है कि 5 बजे पहले देखना है। अच्छा। तो रात को तो देखने वाला है नहीं, सब 5 बजे पहले पहले लगभग आ जाते हैं। और वैसे हमारा किसी को भी हमने अब तक बताया तो सबको वही टाइम दिया है कि 5 से पहले आना अगर दूध देखना। अच्छा। तो आज कोई कस्टमर आएगा नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा ना, शाम के टाइम आएगा। अभी फोन आ गए होंगे उनके पहले से? बिल्कुल, बात हो रखी है उनसे। अच्छा। उनको टाइम दे रखा है। अच्छा जी।